मैं आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानकारी चैनल पर। यदि वीडियोस कुछ काम के लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के इस वीडियो में हम रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता के संदर्भ में जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का लघु चलचित्र। सभी रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिकों का ये गुणधर्म होता है कि वे स्वतः ही विघटित होते रहते हैं और विशेष प्रकार की अदृश्य विकिरणें उत्सर्जित करते हैं। रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिकों से उत्सर्जित इन विकिरणों को तीन नामों से जाना जाता है, अल्फा विकिरण, बीटा और गामा विकिरण। रेडियो सक्रियता की खोज सन 1896 में फ्रांस के भौतिकविद व अभियंता एंटोनी हेनरी बेकुरेल ने की। लगभग दो वर्षों उपरांत सन 1998 में पति पीरे क्यूरी और दो बार नोबेल विजेता पत्नी मैडम क्यूरी ने मिलकर के रेडियो सक्रियता की पुष्टि की। रेडियो सक्रियता की खोज के लिए सन 1903 में इन तीनों को एक साथ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रेडियो सक्रियता के कारण उत्सर्जित विकिरणों को रेडियो सक्रिय क्षय भी कहा जाता है। अल्फा कण दरअसल हीलियम का नाभिक होता है जिसमें दो प्रोटॉन के कारण चार्ज दो होता है। अस्थाई नाभिक के द्वारा अल्फा कण के उत्सर्जन से नाभिक के परमाणु द्रव्यमान में चार की कमी व परमाणु क्रमांक में दो की कमी आती है। जबकि बीटा क्षय में बनने वाले नए नाभिक का द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा क्योंकि इसके दौरान इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। जबकि गामा किरण के उत्सर्जन के दौरान न द्रव्यमान में कमी आती है न परमाणु क्रमांक में कमी आती है, दोनों ही अपरिवर्तित रहते हैं। अल्फा बीटा और गामा तीनों ही विकिरणों का उत्सर्जन इसलिए होता है ताकि स्थायित्व में वृद्धि हो सके। अल्फा विकिरणें सबसे अधिक आयनित होती हैं, इस वजह से इनकी भेदन क्षमता निम्नतम होती है, जबकि बीटा की भेदन क्षमता अल्फा की तुलना में अधिक और सर्वाधिक भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है जो कि न्यूनतम आवेशित होती है। अल्फा की भेदन क्षमता इतनी कम होती है कि एक पतली कागज को पार करने में समर्थ नहीं होती, जबकि बीटा की भेदन क्षमता अल्फा से अधिक होती है और सर्वाधिक भेदन क्षमता गामा किरण की होती है। गामा किरणों की सर्वाधिक ऊर्जा होने के कारण इसमें इतनी क्षमता होती है कि मानव के शरीर में से पार हो सके। ये जिन ऊतकों के कोशिका समूह के द्वारा ग्रहण की जाती है वे ऊतक इसकी ऊर्जा को ग्रहण करके नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण से इन गामा किरणों का उपयोग कैंसर जैसे इलाज में भी किया जाता है। रेडियो सक्रियता के उपयोग से उत्सर्जित गामा किरणों का उपयोग कैंसर के ट्यूमर को नष्ट करने के लिए किया जाता है। कैंसर के ट्यूमर पर गामा किरणों को फोकसित करके उत्सर्जित करने पर ये ट्यूमर को नष्ट कर देती हैं। ट्यूमर में उपस्थित कोशिकाएं और उत्तक समूह गामा किरणों की ऊर्जा ग्रहण करके नष्ट हो जाते हैं।